हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है कैसे हम क्यूब टेस्ट में कैसे हम जो है कितने नंबर ऑफ क्यूब जो है हिडन है इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले मैंने जो है क्यूब टेस्ट और जो है ब्रिक टेस्ट के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कैसे जो है हम क्यूब टेस्ट में हिडन क्यूब को देखते हैं और एकदम अच्छे मेथड से बताया। उस मेथड को अगर आप करते हैं तो एक क्यूब को गिनने में आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे डेफिनेटली। देखिए, इस वीडियो में आपके सामने जो है 3-4 क्यूब सेट का जो है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम 3 से 4 सेकंड के अंदर जो है जितने भी हिडन क्यूब हैं उसके अंदर वो मैं गिन के आपको दिखाऊंगा और डेफिनेटली जो है आपको ये आसान लगेगा। और इस मेथड से आप करेंगे तो जितने भी क्यूब्स गिनने के लिए क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे विद इन टाइम, जितना भी टाइम आपको मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं इसमें हम जो कैसे जो है हिडन क्यूब को गिने। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी है thestudent.study। मैं वहाँ पे जो है मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ। जो लोग जो है पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं, जिनको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इशू होगा वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो ये आईडी है thestudent.study। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है पेज पर पहुँच करके जो है इंस्टाग्राम पर द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको जो है 4 हिडन क्यूब के जो है यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। चारों देखिए हिडन क्यूब के जो क्वेश्चन है वो सभी अलग अलग टाइप के हैं। इन चारों अलग टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको करेंगे किस मेथड से। तो इजीली जो है आप 3 से 4 सेकंड लगेगा मुश्किल से जो है कि आप उतने जितने भी इसमें हिडन क्यूब हैं वो आप गिन ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जो अगर इस वीडियो का अगर आपको डिटेल देखना है क्यूब को मैंने कैसे एकदम डिटेल में स्टेप बाई स्टेप बताया था, तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो जो है उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं गिन के यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, कोई भी क्यूब दिया होगा, ठीक है, तो सबको यहाँ पे देखना ये है आपको कि जो है कि उसका कुछ फेस जो होता है एकदम आपके सामने इस साइड से दिखेगा और एक फेस जो होगा इसका इस साइड से दिखेगा। मतलब उस साइड में जितने भी क्यूब हैं, ठीक है, वो सब विजिबल होंगे और दोनों साइड से, मान लीजिए इस साइड से, ठीक है, और दूसरी साइड, पहली साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई, दोनों साइड से जो है अलग अलग साइड दिख रही है आपको। देखिए यहाँ पर जो है मैं ये पूरा लाइन प्लेट आपको दिख रही होगी, ठीक है, देखिए ये प्लेट आपको दिख रही है, ठीक, उसके बाद से ये प्लेट आपको इस साइड से दिख रही है। मतलब जो है आपको ये दोनों प्लेट कभी भी गिननी नहीं है और इसमें कोई भी क्यूब पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं बता रहा हूँ कि जो है दोनों साइड से आप देख लीजिए, जो जो क्यूब प्लेट आपकी दिख रही है पूरी प्लेट आपको दिख रही है, जिसमें जो है 4 क्यूब इधर है, ठीक है, और 4 क्यूब इधर है। इन चारों प्लेट से जो क्यूब बने हुए हैं इन दोनों साइड में वो सभी विजिबल हैं, लेकिन आपको किस प्लेट्स पे फोकस करना है, किस क्यूब पे फोकस करना है जिससे हिडन क्यूब है, वही जो है आपको ध्यान देना है। ठीक, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सी प्लेट आपको जो है दोनों विजिबल हैं। देखिए, ये पूरी प्लेट आपको विजिबल है और ये पूरी प्लेट आपको विजिबल है, मतलब जो है किसमें हिडन क्यूब हो सकता है वो है सिर्फ ये टॉप वाला। ठीक है, टॉप वाला देखिए, इस क्यूब के नीचे कितने हिडन क्यूब आपको दिख रहे हैं, सिर्फ 2। तो सीधे मैं बता रहा हूँ कि आपको दोनों साइड्स के जो प्लेट होंगे हर फिगर में आपको उन प्लेट पे ध्यान नहीं देना है, वो एकदम विजिबल होते हैं। ठीक, तो पहले वाले में हो गया नंबर ऑफ हिडन क्यूब जो होंगे वो 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, उसके बाद से सेकेंड नंबर ऑफ डायग्राम यहाँ पे देखिए क्यूब का। ठीक है, तो ये क्यूब थोड़ा सा तिरछा बनाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप करके जाइएगा, देखिए वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ को जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको होगी। देखिए यहाँ पे कौन से 2 प्लेट्स हैं जो आपको एकदम क्लियरली विजुअल हैं, वो सभी जो है वहाँ पे आपको लाइन्स आपको विजुअल होंगी। सबसे टॉप पे देखिए पूरे प्लेट्स, देखिए ये सबसे टॉप पे जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं, ठीक है, इसके सभी क्यूब्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद से देखिए ये पूरी जो लाइन है इस साइड से अगर आप देखते हैं तो पूरी लाइन आपको विजिबल दिख रही है। मतलब जो है आपको ध्यान नहीं देना है कि इसके पीछे कितने जो है ये पूरे क्यूब में जो है ये कौन क्यूब आपको दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा, मतलब जो है किन 4 क्यूब्स पे आपको ध्यान देना है मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहला नंबर पर ये क्यूब देखिए, ठीक है, दूसरा नंबर पर ये देखिए, तीसरा नंबर पर ये दिख रहा होगा और चौथे नंबर पर ये, बस इसी 4 को ध्यान देना है। अब इसके पीछे कितने क्यूब्स हैं वो गिन लीजिए। पहले वाले के पीछे आपको 2 हिडन क्यूब्स दिखेंगे, दूसरे वाले के पीछे 2 हिडन क्यूब दिखेंगे, तीसरा जो ब्लॉक बना हुआ है उसके पीछे जो है 1 हिडन क्यूब है और चौथे वाले के पीछे 1 हिडन क्यूब है, बस। और टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ 6 हिडन क्यूब यहाँ पे आपको विजिबल दिख रहा है। अब देखिए इसको अलग वे में भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो 2 मैंने प्लेटें सेलेक्ट की हैं उन्हीं प्लेटों को आप सेलेक्ट करिए और जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करिए,
हिडन क्यूब गिनने का सबका अलग अलग अपना तरीका होता है। अगर आप अपने तरीके से गिनने में एक्सपर्ट हो गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरा आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप उन्हीं मेथड को अप्लाई करिए। ये मेथड मैं जो बता रहा हूँ इसको अप्लाई मत करिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो जो लोग जो है कि थोड़ा सा बेहतर अप्रोच नहीं अगर अपना रहे हैं, तो वो ये अप्रोच अगर अपनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एकदम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है, वो पूरा जो है आप इसमें कर देंगे। मतलब जो है अगर 50 क्वेश्चन इसमें आता है तो डेफिनेटली 45 प्लस ही आप जो है इसमें हिडन क्यूब गिन सकते हैं एकदम आसानी से। मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्यूब गिन के आपको बता रहा हूँ। देखिए फोर्थ नंबर का यहाँ पे क्यूब्स हैं, कितने हिडन आपको देखने हैं। सबसे पहले सबसे टॉप फ्लोर पे आप देखिए, ठीक, सबसे टॉप की सारी क्यूब आपको दिख रही है, ठीक है, ठीक। उसके बाद से जब सबसे टॉप की सारी क्यूब दिख रही है, और ये प्लेट की देखिए, इस प्लेट की सारी क्यूब दिख रही है, ठीक है, और ये प्लेट सारी क्यूब दिख रही है, ठीक, ये दिख रही है, मतलब आपको किन क्यूब्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है जिसके नीचे हिडन क्यूब हो सकता है। एक नज़र में विद इन 2 सेकेंड के अंदर, ठीक है, आप जान जाएंगे कौन कौन फोकस को आपको करना है। ये हो गया, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हो गया, और ये तीसरे नंबर पे, बस इन्हीं तीन फिगर को आपको देखना है जिसमें हिडन क्यूब्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर ये पहला है तो पहले के नीचे एक हिडन क्यूब है, दूसरे के भी नीचे कितने हिडन क्यूब है, एक हिडन क्यूब है, और तीसरे के नीचे एक हिडन क्यूब है। टोटल इस फिगर में 3 हिडन क्यूब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिर्फ वही क्यूब सेलेक्ट करने हैं जिसके नीचे हिडन क्यूब्स हैं, बाकी और चीज़ पर आपको आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। जैसे मान लीजिए फिफ्थ नंबर को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फिफ्थ नंबर देखिए यहाँ पे, इसमें सबसे पहले आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, ये पूरी प्लेट आपको फोकस नहीं करनी है, फिर इधर के साइड की पूरी प्लेट को आपको फोकस नहीं करना है, बस बचा कौन, ये सबसे पीछे जो दिख रहा है, फिर एक टॉप पे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है 3, और ये दिख रहा है 4, ठीक है, 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, बस इन्हीं 4 पे फोकस करना है। सबसे पीछे जो पहले नंबर पे है उसके नीचे कितने क्यूब्स आपको देखने को मिलेगी हिडन है, वो 1, ठीक है। दूसरा जो सबसे टॉप पे उसके नीचे 2 हिडन क्यूब देखने को मिलेगा, दूसरे में ये हो जाएगा 2, तीसरे में आपको देखने को मिलेगा 1 हिडन क्यूब है, चौथे में 1, ठीक है। तो अगर आप फास्टली करेंगे तो तुरंत आप 2, 1, 3, 2, 5 तुरंत जो है पांचवे में 5 हिडन क्यूब आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल इसमें मैं करके आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, इसको मैं कैसे आसानी से विद इन 4-5 सेकंड के अंदर मैं गिन के बता देता हूँ। सबसे पहले पहली प्लेट मैंने यहाँ पे इस साइड की मैंने हटा दिया, फिर उसके बाद से फ्रंट पे जो है आपको सारी प्लेट दिख रही है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हट गई, बचा कौन सा प्लेट नंबर जो है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तुरंत जो है ये 4 प्लेटें दिख रही हैं, चारों क्यूब के नीचे, सॉरी 4 यहाँ पे क्यूब दिख रहे हैं, चारों के नीचे कितने क्यूब आपको देखने मिलेंगे, हर के नीचे 2-2 क्यूब जो है वो हिडन है, जो आपको विजिबल नहीं है। तो 2 चौक 8 यहाँ पे सीधा जो है 8 हिडन क्यूब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11th नंबर का मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख के बता दे रहा हूँ कि जो है कि इसके अंदर जो है कितने हिडन क्यूब है। पहली लाइन में, ठीक है, देखिए सिर्फ इसी 2 के नीचे जो है, सिर्फ इसी 2 के नीचे 2 हिडन क्यूब हैं जो आपको विजिबल नहीं है, बाकी बीच की पूरी रो दिख रही है और इस साइड की पूरी रो दिख रही है। तो मतलब जो है पूरे 11th में 2 ही हिडन क्यूब आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद से 8 नंबर में आप देख लीजिए, 8 नंबर में देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 8 नंबर, 8 नंबर में आपको कितने विजिबल जो दिख नहीं रहे, इसके नीचे सीधे दिखना है 1 हो गया, इसके नीचे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और इसके नीचे कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, टोटल हो गया कितना 4, ये हो गया 8 का 4। इस तरह से जो है आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा हिडन क्यूब में कर सकते हैं, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। जो लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं बता रहा हूँ जिस फेस में पूरे क्यूब अगर आपको दिख रहे हैं तो उस फेस पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उन्हीं क्यूब को आपको सेलेक्ट करना है जिसके नीचे जो है हिडन क्यूब हो सकता है, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करिए। आपको जो है पूरा क्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूरा क्यूब देखेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है आपका समय ज़्यादा लॉस होने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पूरे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले जो है आप टारगेट आप बनाइएगा, वही क्यूब को देखिएगा जिसके नीचे हिडन क्यूब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो लोग मेमोरी टेस्ट के वीडियो मैंने बनाए हैं और वो लोग नहीं देखे हैं तो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख लेंगे, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।